सो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम वीडियो पिक्चर एडिटिंग करनी सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से यह ऐप मिल जाएगी, पिक्सआर्ट जो भी है इसका नाम, ये देख सकते हैं इसका लोगो, उसको आपने ओपन करना है। तो मेरे पास एक पिक्चर गैलरी में पड़ी हुई है, मैं सीधा गैलरी से उठा के यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। वन सेकेंड, हाँ प्लस का आइकन आ गया। तो सिंपली आपने जाना है इस पर, तो आपने अपने कैमरे की जो भी पिक्चर है ना उनको शो कर लेना है। ये मेरे कैमरे की पिक्चर हैं कुछ, ये आ गई मेरी पिक्चर कौन सी जो मैंने एडिट करनी है। तो मेरे ख्याल में ये पिक्चर है, हाँ तो ये पिक्चर अब अभी मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा कैसे आपने इसके कपड़ों का कलर चेंज करना है, कैसे बैकग्राउंड ब्लर करना है, कैसे अपने एक प्रोफेशनल पिक्चर बनानी है। तो सिंपली पहले आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इसका कलर, ठीक है। तो सॉरी, तो ऐसे आपने इसका कलर लेके आना है अपने अपने हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसी इसकी रखता हूँ, तो ऐसे करना है देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइटली दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दें। हाँ अभी ठीक है, ठीक हो गया ना। अभी ये कुछ इस तरह की अभी आ रही है, तो थोड़ी सी लाइट हम तेज़ कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया, ओके कर दिए। तो अभी पिक्चर में इतना कोई फ़र्क नज़र आ नहीं रहा, तो फ़र्क कैसे नज़र आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने बैकग्राउंड ना थोड़ा थोड़ा ना, जिसको पीला बोलते हैं पंजाबी में, वैसे मुझे आती प्योर पंजाबी है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उर्दू बोलने की, सॉरी। तो अभी आपने कलर पे जाना है, तो सिंपली ये वाला जो ना, ये वाला इस पे जाने के बाद जब पीछे रेड रेड ठीक लगेगा। तो ये देखो अभी आपने रेज़र वाले यहाँ पे आने के बाद ना रेज़र पे जाना है, रेज़र पे जाने के बाद आपने फेस को उठा लेना है। अभी ये फेस पे आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये पीछे चला जाएगा, सिंपली देख सकते हैं सारा खुद ब खुद ही हो गया। ओके, तो ओके कर देंगे हम इसको, अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं ओके रेड हो चुका है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अभी ये नहीं होगा क्योंकि अभी ओके हो गया, तो अभी इसका एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो अभी हम इसके कपड़ों पे फोकस करेंगे, कपड़ों का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जो हेड वाला है ना, हेयर लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करना है आपने। ये हेड को फोकस कर लेगा, लेकिन हमने इसको रेज़ कर देना है सभी को, ठीक है। रेज़ करने के बाद आपने जौन सा भी कलर लगाना है, हम ब्लैक करके देखते हैं कपड़ों को, ठीक है। ये इतना नहीं ब्लैक नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही हम ब्राइटनेस तेज़ करते हैं तो अभी ये ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको एडजस्ट कर लूँ पहले मैं, ओके। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा ब्लैक। अभी मैं थोड़ा सा इसको ना वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो पिक्चर है ये देख सकते हैं मुकम्मल जो है ना ब्लैक हो चुकी है, जो फिनिशिंग है हमारी पिक्चर की वो पूरी हो चुकी है,
ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी ये किस पे परफेक्ट आएगा, ठीक है, ये किस कलर पे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं कलर तो चेंज हो चुका है लेकिन ये कलर उतना आ नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में तो ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक ही ठीक है। इससे तो यार वैसे एक इसका भी फायदा है कि पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ मसला है, पिक्चर में भी क्लियर नहीं है, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ब्लैक कर दिया है जितनी हो सकती थी, ठीक है, ये इतनी ब्लैक हो गई। तो अभी हम इसको करेंगे ओके, तो ये ओके हो चुकी है पूरी, देख सकते हैं रेस चेंज हो चुकी है। तो अगर आपने कलर वाइट करना है वगैरह वगैरह तो आपको वो बताता हूँ फार्मूला है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है, चल जाए यार, हाँ तो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये दांतों के लिए होता है, दांत वाइट करने के लिए, देखें ठीक है, लेकिन हम इनसे दांत वाइट नहीं करेंगे, हम इनसे अपने फेस को वाइट करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। पहले मैं इसको रेज कर लूँ, ये तो ऐसे ही टच हो गया था, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लें, हम इसको फुल ब्राइटनेस में कर लें। तो अभी हम इसको सेटिंग करते हैं इसकी, तो दाढ़ी पहले तो बनाएंगे, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लूँ, पता ही नहीं चलता ना इसलिए। तो इसकी दाढ़ी दाढ़ी बन चुकी है ऐसे। तो फाइनली देख सकते हैं हमारी पूरी वीडियो पिक्चर के ऊपर जो है ना मैंने लगा ली है। अभी मैं इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। भी तो आप बोल रहे होगो कि यार ये तो बकवास लग रही है, वाकई बकवास लग रही है, लेकिन 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 अब देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा रेजर करना पड़ेगा। हो गया अभी तकरीबन ठीक है, तो अभी देख सकते हैं पूरी पिक्चर पे दाढ़ी वगैरह सारी सेट हो चुकी है। तो फाइनली अभी इसका बैकग्राउंड ब्लर करते हैं, ओके करें, होगी ओके, ओके कर दें, सेव कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड ब्लर करना है आपने सिंपली ऐसे, तो रेजर पे जाना है, फिर आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, तो भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ऐसे। तो आपने कर लेना है अच्छे से, ठीक हो गया तकरीबन, बाकी ठीक है। तो सारा देख सकते हैं ब्लर हो चुका है, यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे करके सेट कर लेना जितना मर्ज़ी चाहे आप, जहाँ जहाँ से होगा ना आपने सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये मुकम्मल देख सकते हैं, ये खुद ही उसने रेज़र उठा लिया। ओ शिट यार, गलत हो गया, 1 सेकेंड, ओके हो गया, तो इसको ओके करते हैं, ओके करते हैं, तो भी देख सकते हैं आप ओके, पिक्चर पूरी रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
सेव करने के लिए आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगी। ओके बाय।